तो दोस्तों हम गेम के अंदर आ चुके हैं, और गेम के अंदर आते ही हम लोगों को सबसे पहले डिसाइड करना है। यहाँ पर ये देख लो, जो यहाँ पर देख रहे हो तुम लोग, तो यहाँ से हमको डिसाइड करना है कि हमको पहले बॉय चाहिए या फिर गर्ल चाहिए। तो क्या है कि बॉय की ज़िंदगी तो मैं जी रहा हूँ और कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसमें दम नहीं रखा, इसलिए मैंने गर्ल की ज़िंदगी देखी है। तो गर्ल की ज़िंदगी चूज़ करता हूँ, मेरे को गर्ल चाहिए। तो मेरा एक बेबी गर्ल चाहिए, तो हम पिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमको बेबी गर्ल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ठीक है, हम पिंक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और मुझे बेबी गर्ल मिल जाएगी। अब तो है ना, यहाँ पर अब आगे की प्रोसेस के चलते हैं, और आगे की प्रोसेस में ना यहाँ पर थोड़ा बेबी चाहिए। कौन सा बेबी चूज़ करूँ अपने को? गोरा बच्चा चाहिए, तो हमको काला बच्चा नहीं चाहिए, गोरा बच्चा ठीक है, मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। तो हमको है ना बेबी गर्ल को मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए गोरा बच्चा चाहिए। अब मेरा ना नाम रखो, क्या नाम रखो इसका नाम? और जो थंबनेल पढ़ के आए हैं वो बिल्कुल सही पढ़ के आए हैं। बहुत तेज हो रहे हो हैं। तो इसका नाम मैं रखने वाला हूँ MAHI, माही। तो इसका नाम माही रखेंगे हम, और माही ठीक है नाम, और इसका नाम माही रखेंगे, और है ना ठीक है, माही का नाम रख दिया मैंने, और माही नाम ठीक है इसका, माही नाम रखेंगे अपन। और है ना अब इसके आगे चलते हैं थोड़ा, प्लीज़ अपनी माही 1 साल की हो चुकी है यहाँ पर, और 1 साल की से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर इसको कोई डब्बे में छोड़ के चल गया, कचरे के डब्बे में, और बहुत दुख की बात है, कोई डब्बे में, कचरे के डब्बे में छोड़ के चला गया है। अब मेरे को दो ऑप्शन से एक ऑप्शन चूज़ करना है, पुश द लिड पर क्लिक करते हैं और इसको है ना थोड़ा नोक नोक करते हैं, तो जो बंदा जा रहा है बाहर उसको पता चलेगा कि कोई कुछ तो है इस डब्बे के अंदर। तो पुश द लिड पर क्लिक करता हूँ मैं, और मैंने पुश द लिड पर क्लिक कर दिया है, और ये नोक नोक कर रही है अभी लड़की, और इसको समझ में आया बंदे को, और बंदे को लड़की मिल चुकी है यहाँ पर। तो ठीक है, इसको है ना एक ये लड़की इसको संभालेगा, ये बंदा ये इसका डैडी बन के इसको संभालेगा ठीक है। तो अब अपनी लड़की ना 2 साल की हो चुकी है यहाँ पर, और अब है ना अपनी लड़की 2 साल की हो चुकी है, और अब इसको तो चलना सिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन है बच्चों का, और इसमें कंपटीशन स्टार्ट हो गया। अपनी माई तो पीछे रह गई है और अपनी लड़की पीछे हो गई है, इसको जीतना पड़ेगा। यहाँ पर ही चलना सीख रही है अपनी लड़की, और कितनी सारी मुश्किलें आ रही है फिर भी अपने को जीतना है, लेकिन अपने को जीतना है, स्पीड में चलाना पड़ेगा इसको, स्पीड में चलाना पड़ेगा। और बहुत मज़ेदार गेम है, सीरियसली बता रहा हूँ गाइस। और ना यहाँ पर इसको चलाना सिखा रहा हूँ, बहुत सारी मुश्किलें आ जा रही है। अपनी लड़की चलना भी सीख गई है, और तेरी और जीत गई, अपनी लड़की चलना सीख गई और जीत भी गई है यहाँ पर, और बहुत अच्छी बात है। अब अपनी लड़की सीधे के सीधे 5 साल की हो चुकी है, और है ना अभी थोड़ा ये बड़ी भी हो चुकी है, तो अब इसको इसने स्कूल भी ज्वाइन कर लिया यहाँ पर, 5 साल की हो चुकी है। और है ना अभी ये स्कूल में जाती है रोज़, और अभी इसके स्कूल में लंच टाइम चल रहा है, और ना ये अकेली बैठी है यहाँ पर, और अभी ये सोच रही है कि मैं ग्रुप के साथ लंच करूँ या फिर अकेले ही करूँ। और ये लड़का मुझसे आके कहता है कि है ना तुम मेरे साथ लंच करोगी, यानी कि लड़की के साथ लंच करना चाहता है। अब मेरे को चूज़ करना है कि मैं इसके साथ लंच करूँ या फिर ग्रुप के साथ लंच करूँ। चलो ठीक है यार, इसको मौका देते, चल तेरे साथ लंच करते, तू भी क्या याद रखेगा, इसके साथ लंच करते हैं ठीक है। लंच विद हिम पर क्लिक करता हूँ, और ठीक है इसके साथ लंच करते हैं, ये बंदा भी क्या याद रखेगा। और इसका दोस्त बन चुका है यहाँ पर एक, और 5 साल की उम्र में एक दोस्त बन चुका है सीरियसली। और अब इसके आगे चलते हैं, अब ये सीधे 7 साल की हो चुकी है यहाँ पर, और है ना 7 साल की उम्र में ये बास्केटबॉल खेल रही है, क्या बोलते हैं इसको, बास्केटबॉल खेलते ना, बास्केटबॉल खेल रही है यहाँ पर। इसको बास्केटबॉल प्लेयर बनना है क्या लगता है? बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहती है, तो ये ना बास्केटबॉल खेल रही है यहाँ पर, और बास्केटबॉल इसको खेलना सिखा रहे हैं यहाँ पर, ट्रेनिंग ले रही है अभी ये, तो है ना इसको ट्रेनिंग मिल रही है यहाँ पर। और अभी ये करके दिखाई गोल, और देखते हैं क्या होता है। और ये एक बार गोल को करने की कोशिश करी और नहीं हो पाया, कोई बात नहीं दूसरी बार कोशिश करते हैं। और ये कोशिश कर दुब भी कुछ नहीं हो पाया, दूसरी बार में कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार में भी कुछ भी नहीं हुआ, और चौथी बार में हो गया, ये गुबात हुई, गोल हो गया। एक बार कोशिश करी कुछ भी नहीं हुआ, दूसरी बार कोशिश करी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक बार हुआ जरूर, काम गोल जरूर हुआ। और अभी 8 साल की हो चुकी है अपनी लड़की, और है ना अब इसका यहाँ कॉम्पिटिशन है यहाँ पर, और एक कॉम्पिटिशन यहाँ पर है ना, मुझे चूज़ करना है कि मैं पास करूँ क्या, खुद ही शॉट मारूँ, वो मुझे पास करना है। मैं इसको पास करता हूँ फटाफट, इसको पास करते हैं, टेक इट पास, ओके। तो है ना इसको पास कर देते हैं फटाफट अपने लोग, तो ये सही डिसीजन लेना वो ज़रूरी है। मैंने पास कर दिया यहाँ पर, और ये अपनी लड़की ने पूरी एकदम हीरो की तरह एक गोल कर दिया, और अपनी लड़की की वजह से टीम जीत चुकी है मैच। ओह वाओ, बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई दो बधाई दो, और ना कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपनी लड़की की वजह से बास्केटबॉल टीम जीत चुकी है। और अब अपनी लड़की है ना 9 साल की हो चुकी है, और अब बहुत मज़ा आने वाला दोस्तों गेम में। और है ना यहाँ पर ये लोग इसके फ्रेंड्स के साथ है ना, माही है ना इसके फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर
वो स्टॉल पे सामान बेच रही है और एक कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही है, तो ना ये अपनी लड़की है ना, ये इनोसेंट लड़की है और है ना बिल्कुल किसी किसी को लात मार के कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तो मैं ट्रिप हियर पे क्लिक करता हूँ, तो है ना ये इसको लात मार के को नीचे गिरा रही है। मैं तो सिर्फ बताने के लिए दिखा रहा हूँ ये शॉर्ट कि है ना किसी को लात मार के ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अपने पास दूसरा ऑप्शन है, दूसरी बार फिर से खेल सकते हैं। मैं लेवल वापस से खेलूँगा क्योंकि है ना ये लेवल में वापस से खेलूँगा, रिट्राई करेंगे हम। और मैंने सिर्फ आपको दिखाया है कि ज़िंदगी में कभी किसी को लात मार के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अपने दम पे आगे बढ़ो और है ना अपने टैलेंट पे आगे बढ़ो। ये अपनी लड़की के पास अपने टैलेंट है और मेरे को इसने डांस करा और कस्टमर को अट्रैक्ट करा इस तरीके से, तो इस तरीके से कस्टमर अट्रैक्ट हुआ और इस तरीके से देखो इसने एक सामान सेल भी कर दिया यहाँ पर, और इस तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट करा है अपनी लड़की, और इनोसेंट लड़की है। और अभी है ना वो 9 साल की हो चुकी है, अब यहाँ पर एक टेम्पल पर आई है और यहाँ मंदिर के में आइए यहाँ पर, और ना इधर आइए इस सर, और यहाँ से अपने को पता चलेगा कि ना अपनी लड़की को लालच तो नहीं आ गया कहीं। तो यहाँ पर लॉर्ड गणेश की मूर्ति आइए, स्टेचू ऑफ लॉर्ड गणेश, तो यहाँ पर एक फॉर्चून मांगेगी, क्या इनलाइटमेंट मांगेगी, इनलाइटमेंट इनलाइटमेंट तो नहीं मांगेगी, फॉर्चून मांगेगी। तो इसको है ना फॉर्चून मांग लिया इसने, तो क्या हुआ ये कुछ समझ में नहीं आया मेरे को भी कुछ क्या हुआ। वापस से खेलना पड़ेगा, ये दुखी हो गई, ये वापस खेलते हैं लेवल को, इस लेवल को वापस प्ले करते हैं और थोड़ा स्किप करते हैं और आगे चलते हैं थोड़ा। और ना यहाँ पर अपनी लड़की वापस आ चुकी है, अब थोड़ा ना मैं दूसरी चीज़ मांगूंगा, ये इनलाइटमेंट पर क्लिक करते हैं। ओके इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट में क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको सुपर पावर मिल गई क्या, क्या मालूम। चलो आगे चलते हैं थोड़ा, और अभी ना अपनी लड़की है ना पूरे वापस से बड़ी हो चुकी है और 11 साल की हो गई अपनी लड़की, और थोड़ी बड़ी भी हो चुकी है, ये देखो थोड़ी बड़ी भी हो चुकी है और है ना अभी 11 साल की हो चुकी है। और अब थोड़ा आगे चलते हैं गेम में, बहुत मज़ा आने वाला है अब दोस्तों धीरे धीरे। और है ना अभी स्कूल में क्लास में बैठी हुई है और इसके सामने है ना एक इसके दोस्तों ने इसको परेशान कर रहे हैं, इसके दोस्त को, तो ये अब अपने पास ऑप्शन है कि इसके ऊपर हंसने लग जाए इसके दोस्त की तरह या फिर इसकी मदद करे। तो अब ना अपनी लड़की थोड़ी समझदार लड़की है और तो हंसेगी नहीं मदद करेगी, बल्कि हंसने की वजह मदद करना ज़रूरी है, तो इसको मदद करके मदद करेगी। तो ठीक है अपनी लड़की एक तो समझदार लड़की है, उसको ऐसी लड़की नहीं बनाना चाहता, बेकार लड़की नहीं बनाना चाहते, इसको समझदार लड़की बनाना चाहते, संस्कारी घर की लड़की। तो ठीक है अपने ना इसको अच्छा समझा दिया है, और अब ये 12 साल की हो चुकी है सीरियसली यहाँ पर, और 12 साल के होने के बाद ये लड़की है ना अपनी लेवल डाउनलोड करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं हो गई लाउड। चलो अब आगे खेलते हैं, लेवल डाउनलोड करने के बाद मैं आ गया हूँ। और ये क्या हो रहा है इसको, ओ अब ये वो वक्त है जो जो हर लड़की के समय आता है, आई होप यू अंडरस्टैंड बट आई एम सॉरी, बट मैं दिखा रहा हूँ, पर हम पूरी लाइफ जानना चाहते हैं लड़की के बारे में। और तो ठीक है हमें ना इसको इस टाइम पे स्कूल जाना चाहिए या फिर है ना कॉलेज घर पे रहना चाहिए, तो है ना इस टाइम पे ना हम क्या ऑप्शन चूज़ करें, तो घर पे रहना ठीक है हमने चूज़ कर लिया ऑप्शन। और अभी है ना अपनी लड़की 13 साल की हो चुकी है, और 13 साल की होने के बाद दोस्तों है ना हम थोड़ा आगे चलते हैं, हम यहाँ पर 13 साल की हो गई अपनी लड़की, और यहाँ पर है ना एक लड़का इसको है ना चैलेंज कर रहा है बास्केटबॉल के लिए, अपनी लड़की बास्केटबॉल टीम की वो है प्लेयर, अब ये लड़का इसको चैलेंज कर रहा है कि तुम कुछ मुझसे हटके कर सकती हो क्या। और यहाँ पर मैं ना दो ऑप्शन है, इजी टू गोपाव को इजी टू कर सकते हैं पास, और इसको मिस टू हिम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ना मिस हिम अप करके इसको 2 डायमंड देकर मैं एक्स्ट्रा इसको जवाब दूंगा, देखना अपनी लड़की सब समझदार लड़की है और तो होशियार टैलेंटेड लड़की है, इसको सब जवाब देना पड़ेगा ना यार, अपने को थोड़ा कम हटके समझ रहा था ये, तो इसको जवाब तो देना पड़ेगा। तो मैं 2 डायमंड यूज़ कर लिए फिर, ठीक है कोई बात नहीं फिर भी। और अपनी लड़की है ना अब 14 साल की हो चुकी है, और अब वीडियो में और मज़ा आने वाला दोस्तों। और यहाँ पर एक बिल्ली मिली है, तो ये रही बिल्ली, और इस बिल्ली भूखी लग रही है, और अब अपने पास अपनी लड़की है ना और इनोसेंट लड़की है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। और अभी लड़की को किक मारेगी या फिर फिर खाना देगी, तो हम खाना देंगे लड़की बिल्ली को खाना देंगे, कोई लात वात नहीं मारेंगे, अपनी लड़की इनोसेंट लड़की है क्योंकि है ना, इसलिए इसको खाना नहीं खाना देंगे हम, इसलिए प्यार से उसको खाना देंगे, रहम करेंगे इस पर बिल्ली पर। और जो काम अच्छा करते हैं ज़िंदगी में हमको अच्छा ही मिलता है, उसका फल भी अच्छा मिलता है, तो हमने ना अच्छा काम किया है उसको बिल्ली को खाना देकर। और अब है ना अपनी लड़की है ना 15 साल की हो चुकी है, और अभी है ना ये इसका दोस्त है और इसके घर पर इसको बुला रहा है, शायद ये इसका दोस्त वही छोटा वाला दोस्त है जो इतना बड़ा हो चुका है, और उसके घर पर गई है ये लड़की, और ये दोनों स्टडी कर रहे हैं साथ में, और ये लड़का शायद इसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है, सीरियसली क्या कर रहा है ये, और है ना ये इसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। मेरे पास 2 ऑप्शन है, किस करे या हग करे, किस तो नहीं कर सकते, मेरे पास डायमंड भी नहीं है, किस करने के लिए हग करना ठीक है,
ठीक है, हक कर लेते हैं। और ये इसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है और इसका बॉयफ्रेंड बन चुका है अपनी लड़की का। सीरियसली 15 साल की एज में ही बॉयफ्रेंड बन चुका है, कोई बात नहीं, आजकल चलता है। और अपनी लड़की अब 16 साल की हो चुकी है और ये चैटिंग कर रही है यहाँ पर, और है ना चैटिंग चल रही है। माई क्या बोल रहा है, आई वाना गैंग आउट टू शोर, आप कहाँ जाना पसंद करोगे, वेयर डू यू गो बना, मॉल, ओके मॉल, मॉल में जाना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये ना आप सो अपनी लड़की अब 16 साल की हो चुकी है यहाँ पर, और है ना अपनी लड़की 16 साल की हो चुकी है, और ये ना इसका बॉयफ्रेंड इसको रेस्टोरेंट में लेके आया है खाना खिलाने के लिए, और ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। और ये क्या इतना सारा खाना, और ये क्या कर रही है, चुटकी बजा बजा के इतना सारा खाना लेके आ रहा है, अपनी लड़की को क्या मोटा करेगा क्या? अरे इतना खाना मत खाए, खिला अपनी लड़की को, हमारी लड़की की दुबली पतली है उसको मोटा कर देगा खिला खिला, कितना खाऊंगे रही उसको, अपनी लड़की को मोटा कर देगा खिला खिला के, कितना खिलाएगा और अरे तेरी की तो। और है ना अब ये लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन चुके हैं और एक रिलेशनशिप में आ चुके हैं दोनों, और अब अपनी लड़की है ना सीधे 15 से 17 साल की हो चुकी है अब, और अब 17 साल की हो चुकी है अपनी लड़की, और इसकी है ना कॉलेज की पढ़ाई पूरी एजुकेशन कम्प्लीट हो चुकी है। तो है ना 17 साल के होने के बाद इसके एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है। और अपने अपनी लड़की है ना 17 साल की, फिर से 17 साल की हो चुकी है। तो और है ना 17 साल के होने के बाद ये रात में इसके फ्रेंड्स के साथ कहाँ पर रही है, ये देखो ये इसके फ्रेंड्स के साथ है ना यहाँ पर रही है दोनों, ये 4-5 दोस्तों के साथ आई है यहाँ पर। और क्या करेंगे ये लोग देखते हैं यहाँ पर, ये लोग है ना कहाँ पर आए, स्विमिंग पूल में आए हैं ये लोग, ये स्विमिंग पूल में करके क्या करने आए हैं ये लोग समझ में नहीं आ रहा मेरे को। और है ना ये लड़का आया इसके बाद, ये तो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है पर ये कोई और लड़का है, ये लड़का क्या कर रहा है, ये उसको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और नहीं 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 ऐसा नहीं करना, अभी इसका इसका तो अपनी लड़की का तो पहले से बॉयफ्रेंड है, उसको छेड़ रहा है, गलत कर रहा है, तो उसको तो देना पड़ेगा। रिफ्यूज पे क्लिक करता हूँ, हट तेरी मैं इनकी, हमारी लड़की को छेड़ रही है, हट, अपनी लड़की कोई वो नहीं है, अपने दम पे लड़ सकती है। अब अपनी लड़की है ना 18 साल की हो चुकी है दोस्तों, तो अब है ना अपनी लड़की तो 18 साल की हो चुकी है फ्रेंड्स, और अब बहुत बड़ी भी हो चुकी है दोस्तों, अब अपनी लड़की नाबालिग से वालिक हो चुकी है और अब अपने डिसीजन खुद ले सकती है दोस्तों। तो अब ये गेम यहीं ख़त्म करते हैं, हम पार्ट टू में हम आगे दिखाएंगे 18 साल के बाद उसकी क्या लाइफ रहेगी दोस्तों, ये गेम यहीं पर खत्म। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।